मालदीव की इंपॉर्टेंस देख रहे थे इंडिया के लिए, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने बात की कि मेजर जो ऑयल एक्सपोर्ट है, ट्रेड होता है इंडियन ओशियन के अंदर, वहाँ पे चोक पॉइंट के ऊपर हमारा मालदीव बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे, अगर मैप देखेंगे यहाँ पे, तो मालदीव की लोकेशन है काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर, मालदीव की जो बाउंड्रीज हैं वो फैली हुई हैं। तो जो हमारा यहाँ से पर्शियन गल्फ ऑयल रिच रीजन है, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिया के लिए, यहाँ पे चाइना के लिए जाता है। ठीक है, हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यहाँ से ट्रेड जाता है। तो इंडियन ओशियन के अंदर जितना भी ट्रेड होता है उसको अगर आपने यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो, और अगर वॉर की सिचुएशन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है आपको जहाँ से आप पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट कर सकते हो, ऐसी लोकेशन के अंदर अगर मान लो चाइना की सबमरीन्स या कोई और यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह मूव करता है, तो इंडिया को इस लोकेशन के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में इंडिया पता कर सकता है कितनी टाइम वो मूवमेंट करती हैं। तो इंडियन ओशियन के अंदर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए हर कंट्री को इसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो आपको प्रेजेंट के अंदर इलेक्शन हुई मालदीव के अंदर, उसके अंदर जो हमारी अलग अलग किस्म की पार्टीज़ थी, चाइना अलग ग्रुप के अंदर था, इंडिया अलग ग्रुप के अंदर, यूएसए इंडिया के साथ सेम ग्रुप के अंदर, तो वो सब देख रहे थे इलेक्शन को, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो इसको डोमिनेट करेगा। अगर यहाँ पे मान लो चाइना डोमिनेट करता है तो इसी के साथ में यहाँ नीचे जैसे डिएगो ग्रासिया हमारा यूएसए का एक नेवल बेस है मिलिट्री का, तो इंडिया जो यूएस था उसको भी इशू है इसकी वजह से, तो उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था मालदीप में उस गवर्नमेंट को जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा था, और चाइना अपोजिट पाले में था, अब्दुल यामिन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर एस्टेब्लिश है, यहाँ पे सर्विलेंस मॉनिटरिंग कुछ भी की जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे प्रीलिम के लिए छोटा सा फैक्ट है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप के हैं और मालदीव को। तो यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप होगा उसको 8 डिग्री सेपरेट करेगा। 8 डिग्री का मतलब जो हमारी इक्वेटर है वो 0 डिग्री, और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2, 3, 4, इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल सेपरेट करेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, दूसरी इम्पोर्टेंस चाइना के लिए भी है, क्योंकि चाइना जो है अगर इस एरिया के अंदर डोमिनेट कर जाता है तो इंडिया के लिए डायरेक्ट ब्लॉकेट का काम करेगा ये। इंडिया की जो यहाँ पे कमांड्स होंगी, नेवी वगैरह जो यहाँ पे पोजीशन होंगी, अगर यहाँ पे मान लो इतने नज़दीक जो है चाइना का कोई बेस बन जाता है, या चाइना यहाँ पे जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पे डोमिनेट करके कुछ किसी तरीके से अपने लिए एडवांटेज लेने में जो है सफल हो जाता है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा इशू है। इंडिया ओपन कर रहा है इंडियन ओशियन के अंदर, पूरे ओशियन के अंदर डोमिनेट करने के लिए, इंडिया के पास में नेवी है, इंडिया डोमिनेट कर सकता है, और इंडिया को रीजनल पावर माना जाता है इंडियन ओशियन के अंदर। बट अगर श्रीलंका के अंदर जो है चाइना की डोमिनेंस हो जाती है, मालदीव के अंदर चाइना की डोमिनेशन हो जाती है, तो इस एरिया को इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको ये यहाँ से ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो इसी कारणों से इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जोर लगाता है श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे करने में, मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे करने में। बात करेंगे चाइना की, तो चाइना का हमने पॉइंट देख लिया, और रिसेंटली 2015 के अंदर मालदीव ने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आए वो, तो 2015 में कौन सी सरकार थी, अब्दुल यामीन की, जो कि अभी करंट है, जो कि अभी पावर ट्रांसफ़र करेगी मोहम्मद सोली को। अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो जिस साइड की बातें हो रही थी, मतलब मालदीव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा अभी, तो जो हमारे नशीद साहब हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजिडेंट हैं, उनके द्वारा पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, नई जो हमारी गवर्नमेंट आई है उनको, तो उन्हीं के द्वारा हमारे पास यहाँ पे अमेंडमेंट की गई थी 2015 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया था कि अगर कोई फॉरनर $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है मालदीव के अंदर, और तो हम क्या करेंगे, उनको जो एरिया होगा, जो लैंड का एरिया होगा, उसको ओन करने का अधिकार दे देंगे, बशर्ते 30% हम अधिकार देंगे उनको, 70% लैंड जो थी उनको रिक्लेम करनी पड़ेगी, मतलब जो इंडियन ओशियन के अंदर लैंड सबमर्ज हो रही है नीचे, उसको आर्टिफिशियली तरीके से आपको 70% लैंड खुद बना के लेने आनी पड़ेगी। जैसे चाइना साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, उसी तरीके से जो लैंड सबमर्ज हो चुकी है उसको फिर से रिक्लेम करने की बात हो रही है इसके अंदर, तो 70% लैंड आपको रिक्लेम करनी पड़ेगी इंडियन ओशन से, 30% हम दे देंगे उनको, जो $1 बिलियन हमें देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर चाइना की एंट्री होती है यहाँ पे, तो चाइना एक आइलैंड अपने लिए जो है यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है, मतलब उनको पूरा आइलैंड दे दिया जाएगा मालदीव की सरकार के द्वारा, और वहाँ पे वो मिलिट्री की गतिविधियाँ भी कर सकता है। इसी कारण से इंडिया ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, उसके बाद मालदीव गवर्नमेंट ने बोला कि हमने यहाँ पे प्राइमरी एम जो होगा वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कमर्शियल तौर के ऊपर दिया जाएगा, यहाँ पे मिलिट्री वगैरह के एस्टेब्लिश करना वो सब परमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंस आती है इंडिया के लिए वो आती है
मालदीप मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका समूह है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर इस्लामिक वर्ल्ड को जो इश्यूज हैं उनको उठाया जाता है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये कश्मीर का इशू उठाती है, ठीक है। मालदीप हालांकि ये पोजीशन मेंटेन करके रखता है कि कश्मीर जो है इंडिया का इंटरनल मैटर है, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर का इशू उठाती रहती है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हालांकि इंडिया के पास में इतनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है बट इंडिया को मेंबर नहीं बनाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे मालदीप जो है हमारा एक पार्टनर के तौर के ऊपर काम आ सकता है, जो कि इनको समझाएगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के अधिकारों के बारे में बात करने के लिए मालदीप, और फ्यूचर में अगर इंडिया को एंट्री मिलती है इसके अंदर, वैसे पाकिस्तान एंट्री होने नहीं देगा लेकिन अगर एंट्री होती है इसके अंदर तो मालदीप उसके लिए सपोर्ट कर सकता है हमें। नेक्स्ट बात करेंगे पाकिस्तान का एंगल, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा एक लॉन्च पैड तैयार हो सकता है ये। पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहता है, तो पाकिस्तान को एक अलग सा रूट मिल जाएगा कि पाकिस्तान से आप मालदीप के अंदर टेररिस्ट वगैरह भेजोगे, और यहाँ पे गतिविधियाँ मिली भी हैं, ऐसा नहीं है मतलब ये सिर्फ कहानियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे प्रूफ भी हैं इसके। तो पाकिस्तानी एंगल इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक लॉन्च पैड के तौर के ऊपर हो सकता है ये। जो हमारा 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने अपने पोर्ट वगैरह उनको जो है सुरक्षित करने का, अपनी कोस्टल लाइन को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन मालदीप की कोस्टल लाइन काफ़ी बड़ी है, उनको भी इशू है। उसके बाद उन्होंने इंडिया को भी कहा था कि यहाँ पे आके सर्विलेंस के लिए आप सिस्टम एस्टेब्लिश करो, और इंडिया कोऑपरेट कर रहा है उनके साथ में, बट वो जो हैं एक ग्राउंड एक्ट कर सकते हैं कि मालदीव के थ्रू इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेजे जाएं। जैसे लश्कर ए तैयबा इज़ प्लानिंग टू हैव इट्स बेस इन मालदीव, और मालदीव जैसे पूरी इस्लामिक कंट्री है, 100% इस्लामिक कंट्री है, तो जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर ये डर हमेशा बना रहता है कि टेररिज्म वगैरह जो ISIS है उनके जो बेसिस हैं वो जल्दी आ सकते हैं, या तालिबान वहाँ पे बेस बना सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पे सैकड़ों ग्रुप्स हैं टेररिस्ट के, उनमें से कोई आके यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो इन सब कारणों से जो है इंडिया के लिए मालदीव की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और वहाँ पे लिबरल थॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे रेडिकल इस्लाम आता है तो उसकी वजह से इंडिया को भी इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। इसी कारण से इंडिया सपोर्ट करता है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, एक लिबरल गवर्नमेंट की। अब इंडिया हैज़ वेरियस मिलिट्री असेट इन मालदीव टू एनहेंस इट्स सर्विलेंस कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू थ्रेट्स। तो इंडिया ने, मतलब इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट कर रहा है, अगर मालदीव की बात करेंगे तो इंडिया मालदीव के साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं किस किस तरीके से इंडिया कॉपरेशन कर रहा है। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करेंगे तो इंडिया के परमानेंट 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे प्लेस रहते हैं, और लगभग 40 to 50 पीपल इंडिया के वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं, मतलब हमारी आर्म फोर्स के। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न आइलैंड और जो साउदर्न आइलैंड है वहाँ पे प्रेजेंट है 1-1 हेलीकॉप्टर, और इनके द्वारा यहाँ पे सर्विलेंस वगैरह की जाती है, ठीक है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी है इंडिया के द्वारा। और सेकेंड है यहाँ पे मालदीव का जो कोस्टल रडार सिस्टम है, रडार के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जाती है आसपास के एरियाज़ की, जो इनके 26 अटोल्स हैं, ठीक है, जो इनके पूरे आइलैंड है उनको 26 अटोल में डिवाइड कर दिया गया है। जो 26 अटोल्स हैं उनमें से सिर्फ 2 के ऊपर ये रडार्स लगी हुई हैं। तो 2009 के बाद जब इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है और मालदीव को भी लगता है कि हमारे आइलैंड वगैरह के ऊपर कब्जा कर सकता है कोई, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या हमारे पायरेट्स वगैरह कोई कब्जा कर सकता है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, उसके बाद इनके द्वारा इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया के साथ पैक्ट वगैरह साइन किए जाते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन एस्टेब्लिश करो। तो इंडिया ने कहा है यहाँ पे कि हम हेल्प करेंगे आपको जो आपके 26 अटोल्स हैं वहाँ पे रडार सिस्टम लगाने के लिए, और पूरे तरीके से वो कवरेज देंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। और कोस्टल जो रडार सिस्टम है मालदीव का वो इंडिया का जो रडार सिस्टम है उसके साथ मैच्ड होगा, मतलब वहाँ पे अगर आप सर्विलेंस करोगे, अगर चाइना की कोई शिप वगैरह आ रही है और आसपास की चीज़ों के बारे में नज़र रखने के लिए, पायरेसी के बारे में देखने के लिए, वो सब का जो आपके रडार सिस्टम के अंदर डाटा आएगा वो इंडिया को भी एक्सेस होगी उसकी। तो इंडिया ने ये जो प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी स्टार्ट कर दिया हुआ है इंस्टॉल करने का, रडार सिस्टम इंस्टॉल करने का, और उसका जो डाटा वगैरह होगा वो इंडिया के कोस्टल जो गार्ड्स हैं उनके पास में भी उसका डाटा आएगा। तो मतलब इसके द्वारा इंडिया इनडायरेक्ट तौर के ऊपर इंडियन ओशन के अंदर अपनी रीच को इनक्रीज कर रहा है, और मालदीव को प्रोटेक्शन मिल रही है इसके द्वारा। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है वो रेगुलरली जो हमारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, जो हवाई जहाज है, उसके द्वारा इंडिया का एयरक्राफ्ट जो है इस एरिया के अंदर लुक देखता रहता है, मतलब नज़र करता रहता है, और हम मालदीव के साथ में जॉइंट ऑपरेशन के अंदर सर्विलेंस भी करते रहते हैं इस एरिया के अंदर, पता करते रहते हैं चीज़ों के बारे में। बात करेंगे मिलिट्री टीम, हमने मालदीव के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसके द्वारा इनकी जो मिलिट्री टीम है वो विजिट कर सकती है ट्राई सर्विस कमांड ऑफ अंडमान निकोबार
टू ऑब्जर्व हाउ इंडिया मैनेज सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस ऑफ क्रिटिकल आइलैंड चेन। तो इंडिया के पास में भी आइलैंड है अंडमान निकोबार, मालदीव को भी आइलैंड मैनेज करने हैं, तो उनको सीखने के लिए इंडिया ने परमिट किया हुआ कि आप इनके साथ कॉपरेट कर सकते हो, हमारी जो ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो ट्राई सर्विस कमांड का क्या मतलब, जो हमारी आर्मी होती है, नेवी होती है, ठीक है, एयरफोर्स होती है, ये अलग अलग कमांड्स होती हैं इनकी, लेकिन हमारे लिए अंडमान निकोबार काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। हमें अगर कोई आर्मी से हेल्प चाहिए, कोई हमें नेवी से हेल्प चाहिए, कोई हमें एयरफोर्स से हेल्प चाहिए, तो उनके लिए ज्वाइंट कमांड बना दी हुई यहाँ पे, ताकि जो मिशन है, अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई सर्विस चाहिए तो वो काफ़ी फास्ट तरीके से वहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं होगा, ये ज्वाइंट कमांड है। और ये इंडिया की पहली ऐसी ज्वाइंट कमांड बनाई गई थी और इंडिया की ओनली ऐसी ज्वाइंट कमांड है, बाकी अलग अलग है सब जगह, लेकिन अंडमान निकोबार के लिए ट्राई जंक्शन है, ठीक है, ट्राई सर्विस कमांड है। तो इसी के साथ में कॉपरेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया कि मालदीव इनके साथ जाके इनकी मैनेजमेंट कार्यशैली को देख सकता है और सीख सकता है इनसे। नेक्स्ट बात करेंगे अब मालदीव की, थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। हमने अभी तक क्या देखा, मालदीव के बारे में देखा, मालदीव में पॉपुलेशन कैसी है, मालदीव की इकोनॉमी के बारे में देखा, फिर हमने देखा मालदीव को इंडिया क्यों ज़रूरी है और इंडिया को मालदीव क्यों ज़रूरी है। अब मालदीव के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर राइट नाउ पढ़ते होंगे तो उसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती होगी आपको, अलग अलग पीपल के नाम सुनने को मिलते होंगे, वो क्या करते हैं, किस किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कौन किसकी साइड है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा हम यहाँ पे पूरे इश्यूज़ वगैरह एड्रेस करेंगे, लेकिन आपको न्यूज़पेपर तो खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसके अंदर सिर्फ बेसिक वगैरह करवाए जा सकते हैं, जो हमारा बेस मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो पूरा एक साल कंटिन्यू रहती है, धीरे धीरे कोई ना कोई डेवलपमेंट आती रहती है, उसके कारण एक अंडरस्टैंडिंग का बेस बनता है, वो बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ से जो आप डाटा वगैरह कलेक्ट करोगे उससे आप आंसर लिख सकते हो एक अच्छा, लेकिन आंसर के अंदर और ज़्यादा मैच्योरिटी लाने के लिए और उसको अच्छा लिखने के लिए, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए आपको करंट अफेयर के साथ में टच में रहना पड़ता है। तो बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जो हमारी हिस्ट्री है मालदीव की, उसके एंशियंट जो हिस्ट्री है उसके अंदर ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं की गई, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कल्चरल जो चीज़ें हैं वो बुद्धिज़्म आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो इनका आर्ट एंड कल्चर उसके बाद ही फ्लोरिश होता है। तो एंशियंट जो इनकी हिस्ट्री है वो ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है, तो उस तरीके से फिर बुद्धिज़्म का आगमन होता है। बुद्धिज़्म इंडिया से यहाँ पे जाता है अशोका के टाइम के अंदर, 3rd century के अंदर, ठीक है, 3rd century में अशोका के द्वारा यहाँ पे बुद्धिज़्म एंटर करवाया जाता है। श्रीलंका के अंदर अशोका के द्वारा बुद्धिज़्म भेजा गया था, ठीक है, म्यांमार के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर में, ठीक है, चाइना के अंदर, तो यहाँ पे भी उनके द्वारा एंटर करवाया जाता है। अब 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे ट्रेड वगैरह काफ़ी हो रहा था, जो अरब से ट्रेडर आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंदर आके जो हमारे लास्ट मालदीव के राजा थे, बुद्धिस्ट राजा, वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इनका रिलीजन इस्लामिक हो जाता है और सल्तनत पीरियड मतलब इस्लामिक पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 12वीं सदी के एंड के अंदर। अब जैसा मैंने बताया ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है, जब हमारे यूरोपियन पावर यहाँ पे आएंगे उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैप्चर करने की होड़ लगी हुई है। सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगीज आते हैं। जब पुर्तगीज आते हैं तो उसके द्वारा ये स्मॉल फैक्ट्री बनाते हैं इस आइलैंड के ऊपर और डोमिनेट करना शुरू करते हैं। और पुर्तगीज किस चीज़ के लिए फेमस थे, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा, पुर्तगीज जो थे वो इन फेमस होते हैं अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। ये दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते थे, खासकर फर्स्ट ये इस्लाम को टॉलरेट नहीं करते थे, उसके बाद ये हिंदूज को भी टॉलरेट करना बंद कर देते हैं। तो इनके द्वारा अटैम्प्ट किया जाता है क्रिश्चियनिटी इम्पोज करने का। अब उसी इम्पोज करने के लिए हमने श्रीलंका के अंदर देखा था पहले कौन था, पुर्तगीज, क्योंकि यहाँ पे मालदीव के अंदर भी पुर्तगीज, श्रीलंका के अंदर भी पुर्तगीज और इंडिया के अंदर भी पुर्तगीज ने इन्फ्लुएंस बना के रखा था। तो श्रीलंका के अंदर भी ये, और श्रीलंका के अंदर अब श्रीलंका के राजा ने डच के साथ में पैक्ट साइन किया ताकि पुर्तगीज को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पुर्तगीज पता है वो अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ज़्यादा इनफेमस हैं। तो इसी कारण से फर्स्ट पुर्तगीज आते हैं यहाँ पे, उसके बाद इनके विरुद्ध रिवॉल्ट हो जाता है और पुर्तगीज को बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डे के तौर के ऊपर। तो नेशनल डे कब मनाया जाता है इनका, वो आपको चेक करना है। डच पावर, जब डच की पावर इंक्रीज हो जाती है उसके बाद डच की एंट्री होती है, ठीक है, 1602 के अंदर डच की पावर इंक्रीज होती है, तो डच जो है इस रीजन को ऑक्यूपाई करने लगते हैं, जो सीलोन हमारा रीजन है मतलब श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर कैप्चर करते हैं डच, ठीक है, पहले तो श्रीलंकन के साथ में पैक्ट करते हैं कि हम पुर्तगीज को बाहर निकालेंगे, उसके बाद खुद वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। अब ये जो थे
मालदीव को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इंटरफेयर नहीं करते जैसे हमारे पुर्तगीज इंटरफेयर कर रहे थे, ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे ये, जो हमारे डच थे उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो उनको ज़्यादा फॉरेन तरीके से ना नहीं सोचा गया, ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने रूल करने दिया जो इंडिजिनस रूलर थे। तो अब इनके द्वारा ये किया गया, उसके बाद डच को इंडिया में भी हरा दिया, श्रीलंका के अंदर डच को बाहर निकाल दिया, और मालदीव के अंदर भी सेम सिचुएशन आती है, डच को एक्सपेल कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स इनको बाहर निकालते हैं, और 1796 के अंदर ब्रिटिशर्स इनको बाहर निकालेंगे श्रीलंका से, और श्रीलंका से ही इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो रूल करना शुरू कर देते हैं, और मालदीप इनका प्रोटेक्टरेट बन जाता है, मतलब इनका जो फॉरेन अफेयर है उसको ये अपने अंडर ले लेते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसके बदले में ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट दी जाती थी, एनुअल तरीके से पैसे दिए जाते थे मालदीप के द्वारा, और फॉरेन अफेयर को इन्होंने कैप्चर करके रखा था, जो हमारा इंटरनल अफेयर है उसमें बोला गया था कि आप अपने तरीके से रूल कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा बोली जाती है। फिर 1932 के अंदर ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं और राजा उसके अंदर हेड होता है, तो यहाँ पे रिपब्लिकनिज्म नहीं आ रहा है, रिपब्लिकनिज्म होता है कि हेड ऑफ द स्टेट आपका जो होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पे मोनार्ची आई हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाता है। अब इशू ये आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रो हमारा ब्रिटिशर्स था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के ज़्यादा प्रो था, उसके कारण रिवॉल्ट होते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का पीरियड होता है, और उसी पीरियड के बाद यहाँ पे 1965 के अंदर इंडिपेंडेंस इनको मिल जाती है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 के अंदर, इनको मिली 1965 के अंदर। अब 1965 से लेके 1968 तक 3 साल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी वो कंटिन्यू रहती है, उसके बाद आवाज़ें उठने लगती है, तो ये जो मोनार्ची है इसको ख़त्म करो, हमें रिपब्लिकनिज्म चाहिए, ठीक है, हमें इलेक्टेड वाली सरकार चाहिए। उसी के लिए इनकी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है, जिसके अंदर ज़्यादा वोट मिलते हैं रिपब्लिकनिज्म को। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसके अंदर जनता से पूछा जाता है क्या चाहिए आपको, उसके अंदर 96% जो जनता है उनके द्वारा बोला जाता है हमें रिपब्लिकनिज्म चाहिए। तो अब रिपब्लिकनिज्म आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम नशीर प्रेसिडेंट बनते हैं इनके, और ये 2 टर्म्स लेते हैं, मतलब 10 साल तक यहाँ पे रूल करते हैं, और इनका जो मतलब मिड टर्म जब आता है इनका 1975 उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं, इनके द्वारा करप्शन वगैरह किया जाता है, जो इनके अपोजिशन थी उनको सुप्रेस करने का काम किया जाता है, जो इनकी पॉपुलैरिटी के आड़े आ रहा था उन सबको सुप्रेस करने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा, तो उसके खिलाफ मूवमेंट वगैरह भी, सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन जो है उस टाइम खड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1978 के अंदर महमून अब्दुल गयूम, ठीक है, जो मेन पर्सन है जिसका नाम आपको याद करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद करना, जो हमने देखा पीछे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं करना, बट अगर आपको ये पता है कि कहाँ कहाँ पे किसने राज किया हो तो ये आपको हेल्प कहाँ करेगा, कोलोनाइजेशन ऑफ एशिया टॉपिक है उसके अंदर आपको हेल्प करेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो हर चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है, अगर आप एक चीज़ को पढ़ोगे तो वो आपको दूसरी में हेल्प करेगी, या आपको याद करने में हेल्प करेगी, पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री याद करने में हेल्प करेगी। 1978 के अंदर महमून अब्दुल गयूम का शासन आता है, और इसको मेन पर्सन बोला जा सकता है, इनका नाम आप अभी भी न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे, गयूम जो बोला जाता है। 30 साल तक ये 6 टाइम कंजिक्यूटिव यहाँ पे रूलर रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा ऑटोक्रेटिक रूलर बन जाते हैं ये, इनके द्वारा अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाता है, इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं बसता, और बाद में इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो मोहम्मद अब्दुल गयूम जो है जो नसीर साहब हैं इनको रिप्लेस करके 1978 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, और 1978 से 2008 तक 6 बार ये इलेक्शन जीतते हैं कंजिक्यूटिव तौर के ऊपर, क्योंकि इनके द्वारा अपोजिशन को ख़त्म कर दिया होता है, ठीक है। उनका पीरियड स्टेबिलिटी वाला था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है उसके अंदर, और कुछ बोलते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक थे, मतलब बोलते क्या हैं वो ऑटोक्रेटिक थे, उनके द्वारा जो लिबर्टीज़ वगैरह थी सिविल लिबर्टी उनको क्रश किया जाता है, अपोजिशन को ख़त्म किया जाता है, लेकिन फिर भी 30 ईयर तक वो राज कर पाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे 1968 की बात करेंगे, तो इब्राहिम नसीर, उसके बाद गयूम का शासन आता है, तो इनके द्वारा गयूम के द्वारा शासन किया जाता है 2008 तक। अब बात करेंगे ऑपरेशन कैक्टस की, तो ये हम टाइमलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, अभी शासन किसका आया? मोहम्मद अब्दुल गयूम का। तो इन्हीं के शासनकाल के अंदर 2008 तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई इंडिया के साथ में, वो सब चीज़ें इसी के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया जाता है, जिसको इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज मिशन बोला जाता है।
जो हमारे गयूम हैं, सॉरी, जो हमारी प्रेसिडेंट गयूम, जो कि 1978 के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके कार्यकाल के अंदर जो इनसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीर, उनके द्वारा, जो उनके सपोर्टर वगैरह होते हैं, उनके द्वारा काफ़ी बारी जो है मालदीव के अंदर कू की कोशिश की जाती है, तो तख्ता पलट करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। 1980 के अंदर एक ट्राई करते हैं, 83 के अंदर दूसरी ट्राई करते हैं, 1988 के अंदर तीसरी ट्राई की जाती है। जो हमारे 80 और 83 वाला था, इसको तो सुप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं गयूम साहब। लेकिन 1988 का, जिसको लिट्टे के द्वारा भी सपोर्ट किया गया होता है, तो लिट्टे के बारे में हमने देख लिया था पहले ही, श्रीलंका के अंदर उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया होता है, ये तो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्होंने कैप्चर कर ली थी। बट इंडिया को कॉल दी जाती है गयूम के द्वारा, और इंडिया के 16,000 इंडियन ट्रूप जो हैं एंटर होते हैं मालदीव के अंदर, उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ पे छोड़ा जाता है, और उसी ऑपरेशन को बोला जाता है कैक्टस, और उन्होंने कुछ ही आर के अंदर इस कूप को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो मतलब काफ़ी, मतलब रिलेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिलेशन इंडिया के अच्छे थे। अगर गयूम की बात करेंगे, उस टाइम इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि चाइना की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है, चाइना को ज़्यादा मतलब नहीं होता था इनके साथ में, तो चाइना ने 2008-10-11 उसके बाद ही स्टार्ट किया था, और 2011 के अंदर चाइना ने अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश की थी, तो उसी के बाद चाइना ने इंटरफेयर करना शुरू किया था हमारे नेबरहुड के अंदर। उसके पहले ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती थी, इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता था, तो इंडिया डोमिनेंट था। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के अंदर जो है मालदीप में कू की कोशिश की जा रही थी 1988 में, उसको फेल करवाया। फिर हमारे पास 1988 से आते हैं सीधे सुनामी के ऊपर। 2004 में सुनामी आती है, जिसमें भयंकर नुकसान होता है, इनकी जीडीपी का 62% नुकसान हो जाता है, क्योंकि सुनामी अगर आएगी तो वाटर की आपको स्कैरसिटी हो सकती है। इनकी जो टूरिज्म वाली इंडस्ट्री है, टूरिज्म को काफ़ी इशू होगा। ठीक है, टूरिज्म की इंडस्ट्री, फिशिंग वाली जो इंडस्ट्री है, जो मतलब इनका मेन इकोनॉमी का क्रक्स है, उस सबको धक्का लगता है, और इंडिया इसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, सुनामी के टाइम इंडिया काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद जो गयूम का ऑटोक्रेटिक रूल होता है, जिसके अंदर अपोजिशन के अंदर कोई नहीं छोड़ा था इन्होंने, तो ये खुद ही जीतते आ रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ें उठने शुरू हो जाती हैं। डेमोक्रेसी की रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बातें चलती हैं, कि मल्टी पार्टी लेके आओ, अलग अलग पार्टीज़ को मौका दिया जाए इसके अंदर, और जो ऑटोक्रेटिक रूलर है उसको बाहर निकाला जाए, इसकी बातें होती हैं। तो हमारे पास एक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, जो जिनका नाम है मोहम्मद नशीद, ठीक है, पहले इब्राहिम नशीर थे, अब नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बाद गयूम आए, अब मोहम्मद नशीद आए, जिनके बारे में आप सुनते होंगे कि वो जो है फ्ली कर गए थे वहाँ से, और उसके बाद इंडिया के लीडर वगैरह उनसे मिलते रहते हैं। तो 2015 के अंदर इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि टेररिज्म के केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रेसिडेंट को मारना चाहते हैं, और इनको जो है 2016 में ये बीमारी का बहाना करके लंदन भाग गए। तो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट मोहम्मद नशीद, इनके द्वारा पार्टी बनाई गई 2003 के अंदर, और 2008 के अंदर ये सफल हो जाते हैं। ठीक है, सफल हो जाते हैं, और इनके द्वारा 2008 के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और उसके अंदर ये प्रेसिडेंट बनते हैं इलेक्शन के अंदर। तो मोहम्मद नशीद, ये हमारे पास मोहम्मद नशीद हैं, ये 2008 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। अब 2008 में इनके द्वारा प्रेसिडेंट बना जाता है, और इनको माना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे, लिबरल विचार थे इनके, मतलब रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं थे, ऑर्थोडॉक्सी नहीं थे, उसकी वजह से इंडिया के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे। ठीक है, इंडिया के साथ इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। इनके पीरियड के अंदर इंडिया के साथ क्या डेवलपमेंट होती है, वो थोड़ा सा फेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन्हीं के टाइम में GMR की कंट्रोवर्सी का मतलब स्टार्ट होती है इस टाइम। तो GMR इंडिया की कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट में काम करती है, उनके द्वारा एयरपोर्ट वगैरह डेवलप किए जाते हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में वो हाथ बटाती है। तो GMR कंपनी, प्रेसिडेंट जो नशीद थे हमारे पास, जिनको हमने अभी देखा, उन्होंने बिड स्टार्ट कर दी, इन्वाइट किया इन्होंने कि हमारे पास पोर्ट एक इब्राहिम नशीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो इनके पहले प्रेसिडेंट हैं, इनके नाम पे एयरपोर्ट है, जो कि माले के अंदर, इनकी कैपिटल के अंदर स्थित है। ये मतलब काफ़ी, इसको मान सकते हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिच तरीके से, जो इनकी इकोनॉमी को काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, उस टाइप का पोर्ट है, और इसकी डेवलपमेंट मतलब टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है, और टूरिज्म इनकी इकोनॉमी का बेस है, तो मतलब ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। ये इनके द्वारा सरकारी, जो इनकी सरकारी मशीनरी के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता था, लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे इसको रीडेवलप करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो ये इसके लिए बिडिंग करवाते हैं कि कौन सी कंपनी जो आएगी और यहाँ पे रीडेवलप करेगी इसको। तो 2009 के अंदर इसमें स्टार्ट होती है बिडिंग के लिए, कंपनीज आती हैं, इंडिया की कंपनी GMR
इसको जीत जाती है। और 2010 में इनको बोल दिया जाता है 25 ईयर के लिए आपको राइट दे दिया जाता है मालदीव के एयरपोर्ट को चलाने का, ठीक है। तो ये सब इनको बोल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे जो मोहम्मद नशीर हैं जो कि 2008 में प्रेसिडेंट बने थे, इनका जो तख्ता था वो पलट जाता है, मतलब इनको अपनी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ता है। तो आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद हैड ऑर्डर्ड जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द करप्शन केसेस स्कैंडल डन बाय एक्स प्रेसिडेंट गयूम, जो गयूम 30 साल से राज कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो है स्कैंडल किए गए, करप्शन किए गए, और उनके जो गैंग्स थी, मतलब उन्होंने अपोजिशन को सुप्रेस करके रखा होता, किलिंग हुई थी, इन्होंने प्रेस की लिबर्टी वगैरह उनको ख़त्म करके रखा था, अपने खिलाफ बोलने दिया जा रहा था, उसके खिलाफ ये जो है इंक्वायरी वगैरह शुरू करते हैं। अब इनके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है और 2012 के अंदर प्रेसिडेंट नशीद जो थे वो अरेस्ट ऑर्डर करते हैं, किसका, चीफ जस्टिस ऑफ मालदीव। तो मालदीव के चीफ जस्टिस, इंडिया का चीफ जस्टिस एंड मालदीव का चीफ जस्टिस आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक सेक्रेट तरीके से हमने ऊपर बैठा के रखा हुआ उन्होंने उनको। तो इनके प्रेसिडेंट जो नशीद हैं, मोहम्मद नशीद, जो कि हमने अभी देखा 2008 में बने हुए हैं, जो कि इंडिया के प्रो हैं, इनके द्वारा अरेस्ट के लिए बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ मालदीव। उनके ऊपर चार्जेस थे कि जो गयूम है उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है इनके द्वारा। तो अपोजिशन जो थी, इन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और प्रोटेस्ट होते हैं नशीद के खिलाफ, और प्रोटेस्ट क्या होते हैं, कू की कोशिश होती है, जिसके अंदर पुलिस मैन, आर्मी मैन जो है इनडायरेक्ट तौर के ऊपर जो राइड्स करने वाले पीपल होते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, और पुलिस मैन की इन्वॉल्वमेंट, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसी कारण से जो है नशीद को रिज़ाइन करना पड़ता है, और जो हमारे मोहम्मद नशीद हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ पुलिस आर्मी म्यूटिनी हो जाती है फरवरी 2012 के अंदर। तो ये इंडिया के प्रो थे, और इनके जो रिज़ाइन करने के पीछे बड़े रीज़न माने जाते हैं, जो कू की कोशिश की गई उसके पीछे बड़े रीज़न माने जाते हैं, जैसे इनके द्वारा जो पॉलिसी गयूम के खिलाफ फॉलो की गई। सेकेंड बात आती है, इंडिया के प्रो थे तो चाइना ने यहाँ पे इनडायरेक्ट तौर के ऊपर इंटरफेरेंस की, उसके ऊपर यहाँ पे बात होती है। थर्ड रीज़न कई बार दे दिया जाता है कि इन्होंने जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी, तो उन पीपल के द्वारा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। तो वो हम उनके अंदर नहीं जाएंगे किस डिटेल से हुआ, लेकिन इनको 2012 में अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है। अब इनके द्वारा सत्ता छोड़ी जाती है तो वाइस जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद वाहिद, जो कि एक थ्योरी ये भी बोलती है कि इनको जो है रेडिकल जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं उनके द्वारा फोर्स किया गया कि आप फोर्स करो प्रेसिडेंट को अपनी पद छोड़ने के लिए ताकि आप प्रेसिडेंट बन जाओ। तो ये जो मोहम्मद वहीद हैं ये हमारे पास में थोड़े जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप हैं उनके ज़्यादा करीब मिलेंगे, चाइना के ज़्यादा करीब मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं GMR का प्रोजेक्ट किसने दिया, हमारी जो कंपनी GMR है उसको प्रोजेक्ट मिला एयरपोर्ट डेवलप करने का, जो माले का एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिला GMR को, किसने दिया, मोहम्मद नशीद के द्वारा। अब यहाँ पे तख्ता पलटता है, प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद बन जाते हैं जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जो हमारा GMR का प्रोजेक्ट हुआ था उसके अंदर बोला गया था कि कोई इशू अगर आता है तो विक्टिम जो है हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर और लंदन यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। 2012 में कू की कोशिश होती है, उसमें नहीं जो हमारे नशीद वहीद हैं ये पावर के अंदर आते हैं। अब इनके द्वारा पावर में आ जाता है, उसके बाद इनके द्वारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है कि जो GMR का आपने प्रोजेक्ट, जो हमारा लोकल जो हमारा एयरपोर्ट है उसको आपने रन करने की अथॉरिटी जो है GMR को दे दी, ये काफ़ी गलत है, आपने इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे दी, ये गलत बात है, और इनके द्वारा ये बातें फैलाई जाती हैं इलेक्शन के टाइम भी। तो इसके बाद जब GMR जो था वो चार्ज कर रही होती है $25 एविएशन डेवलपमेंट फ़ी और $2 इंश्योरेंस, ये चार्ज कर रहे होते हैं, जो हमारे वहीद बनते हैं प्रेसिडेंट ये मना करते हैं कि ये गलत कर रहे हो आप, और उसी के अंदर लोकल जो मालदीवियन कोर्ट है उनके द्वारा बोला जाता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो आप यहाँ पे पैसे ले रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ पास नहीं किया गया उसके अलावा आप कोई फीस नहीं ले सकते, अगर पार्लियामेंट बोलेगी तो ही आप फीस ले सकते हो, ये सब बातें इनके द्वारा बोली गई, और इसी चक्कर में इन्होंने GMR को यहाँ से बाहर निकाल दिया कि GMR अब डेवलप नहीं करेगी इस प्रोजेक्ट को, और GMR को बाहर जाने के लिए बोल दिया। इन सब बातों को बोला जाता है और 2014 के अंदर यही प्रोजेक्ट जो है डेवलप करने के लिए दे दिया जाता है चाइना की एक कंपनी को, ठीक है। तो रिलेशन आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारे अलग अलग प्रेसिडेंट के हिसाब से रिलेशन चेंज हो रहे हैं, तो इसी प्रोजेक्ट को छोड़ के दे दिया गया चाइना को। लेकिन जो ऑपरेशन वाला राइट है, पहले GMR को क्या मिला था, 25 साल के लिए ऑपरेशन भी करना था, वो राइट इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, बट डेवलपमेंट वाला काम दे दिया चाइना को, तो चाइना ने इसको डेवलप किया, ठीक है। और फरवरी 2016 के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा रूलिंग दी गई कि आपको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी GMR को, जो आपने गलत किया हुआ उसके लिए कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। तो GMR की कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से इंडिया और मालदीव के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब होते हैं।
और 2012 से ये रिलेशन ख़राब होना शुरू हुए थे, अभी पीक पे पहुंचे थे। अब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा उसके बाद डिपेंड करेगा कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन ऊपर बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन जो हमने इतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉमन चीज़ें देखी कि दोनों को एक दूसरे से कितनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से हमारे जो नेबर हैं उनके रिलेशन कितने भी ख़राब हो जाएं, लेकिन एक बात आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो डोमिनेंट पावर होती है जिसके पास में ज़्यादा चीज़ें हैं दूसरे को ऑफर करने के लिए, अगर जो है इंडिया के ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ेगा। इंडिया के पास में काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको अच्छी लगती हैं, इंडिया की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होती हैं। हम लेटर ऑन देखेंगे किस तरीके से श्रीलंका के ऊपर हमारा डेट ट्रैप है, वो तो हमने देखा था, बट मालदीव की सरकार के ऊपर भी वो 70% कर्जे के अंदर दबे हुए हैं चाइना के। तो चाइना जिस तरीके से उनको कैप्चर करता जा रहा है उससे इंडिया ही उनको बचा सकता है। तो इन सब कारणों से इनके रिलेशन कितने भी ख़राब हो जाएं, लेकिन कुछ सर्टेन लेवल के बाद में वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है एंड जो अपोजिशन पार्टीज़ होंगी वो मना करती हैं कि इतने ज़्यादा रिलेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया के साथ ख़राब करने के लिए। तो GMR की वजह से रिलेशन कुछ ख़राब होते हैं। तो हमने देखा 2008 के अंदर, ठीक है, नशीद हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फिर 2012 में कूप की कोशिश की जाती है, उसके अंदर वहीद हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलिसी किस तरीके से शिफ्ट होती है। तो फर्स्ट हमारे पास ये गयूम प्रेसिडेंट थे, 1978 में बने थे 2008 के तक, तो इनके साथ रिलेशन अच्छे थे इंडिया के, उस टाइम काफ़ी अच्छे थे। फिर हमारे पास में मतलब ये ऑटोक्रेटिक बनते जा रहे थे, इनके द्वारा अपोजिशन को सुप्रेस किया गया था, उसके बाद डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठती है, लिबरलिज्म के लिए आवाज़ उठती है, तो उसी के अंदर हमारे पास आते हैं मोहम्मद नशीद। तो मोहम्मद नशीद पावर के अंदर आते हैं 2008 में, इंडिया वेलकम करता है, इंडिया के साथ इनके सोच जो होती है वो मिलती है, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन 2012 के अंदर इनको जो है इनडायरेक्ट मतलब कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको हटा दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट इनके वहीद वो प्रेसिडेंट बनते हैं और उनके द्वारा बोला जाता है कि हम 2013 में इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाए जाते हैं 2013 में, जिसमें मोहम्मद नशीद को माना जाता है कि वो विजयी हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन को इनवैलिड बताया गया और उसके बाद फिर से वोटिंग होती है जिसके अंदर अब्दुल यामीन जो कि इनके सौतेले भाई हैं वो पावर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2011 के अंदर जो गयूम है वो रिटायर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से और इनके भाई जो हैं सौतेले भाई वो पावर के अंदर आते हैं, अब्दुल यामीन, ठीक है। तो ये पावर के अंदर आते हैं। अब पॉलिसी में क्या शिफ्ट है यहाँ पे, जो मोहम्मद नशीर हैं वो इंडिया के प्रो हैं, इंडिया के प्रो हैं, वो लिबरल हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी और जो हमारे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप हैं उनसे थोड़ा दूर हैं, ठीक है। और इन्हीं के बाद ही आप देखोगे जो हमारा 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद ही ज़्यादा कॉपरेशन शुरू हुई थी सिक्योरिटी के क्षेत्र में इंडिया और मालदीव की। और वेस्ट के प्रो हैं, ठीक है, वेस्ट के आइडिया, जैसे USA का भी नीचे बेस है तो वेस्ट को भी अच्छा लगता है, उनके प्रो जो है वहाँ पे सरकार आती है, इंडिया के करीब ही हैं। उसके बाद सत्ता पलटती है 2012 के बाद, उसके बाद 2013 में आते हैं अब्दुल यामीन। अब्दुल यामीन जो आते हैं ये गयूम के भाई हैं, इन्होंने इनके ऊपर गयूम के ऊपर कोशिश की थी करप्शन के चार्जेस वगैरह के बारे में इनके ऊपर केसेस वगैरह डालने की। तो ये जो हैं अलग अलग पाले के अंदर आ रहे हैं। अब्दुल यामीन जो हैं ये समझते हैं अब्दुल यामीन कि इंडिया जो है इनको सपोर्ट कर रहा है, मतलब हमारी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इनको सपोर्ट करना चाहता है, उसी कारण से ये अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए चाइना के पाले में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। और इनके द्वारा रेडिकल इस्लामिस्ट जो ग्रुप हैं उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनको अपीज किया जाता है, चाइना के ज़्यादा करीब चले जाते हैं और जो वेस्टर्न नेशन है उनको उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पॉलिसी में शिफ्ट होती है इनकी 2012 के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर गयूम जो कि 1978 से लेके 2008 तक प्रेसिडेंट थे, नशीद जो कि 2008 से 12 तक आते हैं, वहीद जो कि 2012 से 2013 तक प्रेसिडेंट बनते हैं। और 2013 के अंदर इलेक्शन होते हैं जो कि हाईली कॉन्टेस्टेड होते हैं, नशीद जो कि जीत रहे थे, ठीक है, जो 2008 से 12 तक प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के प्रो हैं वो जीत रहे थे फर्स्ट फेज के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये गलत है, मतलब ये गलत है इलेक्शन, उसमें मना कर दिया गया। बल्कि इंटरनेशनल जो इलेक्शन ऑब्जर्वर थे उन्होंने बोला कि ये अच्छा हो रहा है, इसके अंदर मतलब कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनका बायस तरीके से अलग तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है और इस इलेक्शन को ख़त्म करता है। और फिर रीवोटिंग होती है जिसके अंदर अब्दुल्ला यामीन जो कि हमारे हाफ ब्रदर हैं गयूम के, ठीक है, तो वो हमारे इलेक्ट होके आ जाते हैं। वो जो हैं चाइना के प्रो होते हैं, इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लाम उसके प्रो होते हैं और एंटी वेस्ट होते हैं और इंडिया के भी थोड़े एंटी होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर में आ जाते हैं 2013 के अंदर। अब जो है पॉलिसी को शिफ्ट करना शुरू करेंगे उससे पहले 2014 के अंदर, 2013 में ये पावर में आ गए, 2014 में वाटर का इशू क्रिएट हो जाता है वहाँ पे।
In 2014, fire broke out at the Male Water and Sewage Company, originating in their generator control panel. तो generator control panel के अंदर fire की वजह से जो हमारा इनका Male का water and sewage company है उसमें fire लग जाती है. तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो river का स्रोत है कोई permanent river stream नहीं है, इनके द्वारा जो हमारा rain water है उसको harvest करके, purify करके, उसी को disinfectant के साथ treat करके फिर से जो है घरों घरों के अंदर पहुँचाया जाता है. तो ये Male के अंदर हो रहा है, इनकी capital के अंदर, जो कि most populated है, 1.5 lakh की population है. तो इंडिया को कॉल जाती है, अदर जो कंट्रीज हैं उनको भी कॉल जाती है, लेकिन इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है और इंडिया 20 टन ऑफ फ्रेश वाटर यहाँ पे सप्लाई करता है और इनका जो वाटर क्राइसिस हुआ था Male के अंदर उसको दूर करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे इंडिया के रिलेशन थोड़ा गुडविल बनती है, बट जो हमारे प्रेजिडेंट हैं, जो कि न्यू प्रेजिडेंट आए हुए हैं हमारे, अब्दुल यामीन, तो अब्दुल यामीन के द्वारा जो पॉलिसी फॉलो की जाती है वो चाइना के प्रो होती हैं. जैसे चाइना का रोल अगर समझेंगे तो चाइना पहले 2011 से पहले चाइना ज़्यादा प्रायोरिटी देता था इनको. इनकी तो एम्बेसी भी नहीं थी यहाँ पे, मतलब फॉर्मल तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं थे. तो 2011 के अंदर एम्बेसी इनके द्वारा बनाई जाती है. चाइना इनके करीब क्यों है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं हमारे मालदीव के अंदर चाइना के, और टूरिज़्म जो है चाइना का डोमिनेंट, जो हमारा मालदीप है उनका डोमिनेंट आता है इकोनॉमी के अंदर. अगर ये डोमिनेंट है, चाइना का उसके अंदर ज़्यादा पार्ट है, तो फिर हम उससे मान सकते हैं कि चाइना का जो कंट्रोल होगा इनडायरेक्ट तरीके से, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है चाइना, वो ज़्यादा होगा. चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2017 के अंदर. जैसा मैंने बताया, सत्ता में पलटी, यहाँ पे पॉलिसी के अंदर चेंज आता है, उसी की वजह से कोशिश की जाती है चाइना के द्वारा अपना ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करने की, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है दिसंबर 2017 के अंदर, जिसके अंदर, और इंडिया के साथ अगर आपको देखना पड़ेगा तो इंडिया के साथ कोई फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है. तो मालदीप ने फ्री ट्रेड साइन कर लिया अब चाइना के साथ, और मालदीप ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया 2014 में. इन्होंने बोल दिया था ये इंटरेस्टेड है हमारे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसको इंडिया मना करता है, क्योंकि सीपैक जो है इंडिया के गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन से जा रहा है, तो उसी वजह से इंडिया के द्वारा कॉन्टेस्ट किया जाता है, बट इन्होंने उसमें पार्ट लेने की ठान ली. तो मतलब ये भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ आप मान सकते हो. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, वो भी गलत किया, ठीक है. अब बात करेंगे अगर चाइना की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है फंड कर रहा है. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और चाइना का 70% जो मालदीव का करंट फॉरेन डेट है वो चाइना की देन है, ठीक है. तो चाइना के द्वारा इतना ज़्यादा डोमिनेट करके रखा हुआ है, और अगर उसका लोन का सिर्फ इंटरेस्ट देना हो तो वो 20% ऑफ मालदीव का जो बजट है उसका 20% बना देता है सिर्फ इंटरेस्ट ही. तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक जो चाइना है वो मालदीव के ऊपर कंट्रोल कर सकता है. ऑल दो अब्दुल जो यामीन थे उनके द्वारा बोला गया कि हमारी पॉलिसी जो है वो इंडिया फर्स्ट की है, मतलब हम इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट इंडिया के द्वारा बोला जाता है, ये बोल रहे इंडिया फर्स्ट, मतलब इंडिया के जो नेबर हैं वो इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं. नेपाल प्रायोरिटी देता है, भूटान, बांग्लादेश सब प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इनके द्वारा 2012 से पॉलिसी को शिफ्ट किया गया, ठीक है. 2013 में ये आते हैं, उससे पहले जो वाहिद थे उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था ये काम करना, लेकिन ये बाद में भी जब इंडिया के अंदर आते थे तो स्टेटमेंट इनकी यही रहती थी कि हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता था कि जो अपोजिशन है इनकी, इनको इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, उसी कारण से ये इंडिया से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं. अब बात करेंगे हमारे पास में आज प्रेजेंट डे की कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे मैप बना हुआ है जिसके अंदर हमें पता चल सकता है आज की सिचुएशन के बाद. बात करेंगे 2008 तक हमारे जो गयूम है, ठीक है, जो गयूम का रूल था 2008 के अंदर, हमारे पास नशीद, मोहम्मद नशीद आ जाते हैं, ठीक है, मोहम्मद नशीद आते हैं. फिर 2012 के अंदर मोहम्मद नशीद जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं जब पुलिस मेंटेनी हो जाती है, मतलब इनके खिलाफ जो पुलिस आर्मी इनके खिलाफ हो जाती है तो इनको रिज़ाइन करना पड़ता है. अब ये रिज़ाइन कर देते हैं तो 2013 में इलेक्शन होता है, वहीद आते हैं पहले वो इनके वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे पास जो अब्दुल यामीन है 2013 में, जो कि सौतेले भाई हैं किसके, गयूम के, ठीक है, तो इनके भाई. अब इनके द्वारा इनके खिलाफ जब करप्शन के केसेस वगैरह किए जा रहे थे हियर, तो इनके खिलाफ जो है कू की कोशिश की जाती है और इनको बाहर निकाल दिया जाता है. 2013 से पॉलिसी शिफ्ट होना शुरू होती है. 2015 के अंदर जो हमारे नशीद हैं उनके खिलाफ उनको जेल कर दिया जाता है टेररिज्म के चार्जेस में, उनको टेररिस्ट के चार्जेस में फंसाया जाता है और बोला जाता है आप प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी कारण में नशीद को जेल में डाल दिया जाता है. 2016 के अंदर नशीद जो हैं बीमारी का बहाना करके लीव के ऊपर लंदन भाग जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये मालदीव में एंटर नहीं करते. फिर हमारे पास 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट
फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि रिलीज करो सबको, जो यामीन है उनको भी आपने गलत तरीके से डाल के रखा है, और अदर जो अपोजिशन लीडर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। इन सब ऑर्डर के खिलाफ जो हमारे अब्दुल यामीन है, इनको गुस्सा आता है इसके खिलाफ, और ये क्या करते हैं, स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, इनके जो भाई हैं अपने, इनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जाता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो उनके खिलाफ भी, और दो जो जस्टिस थे उनके खिलाफ चार्जेस डाल दिए जाते हैं टेररिज्म के। ठीक है, 45 दिन की एमरजेंसी लगती है इनके द्वारा, और उसके बाद फाइनली एमरजेंसी को हटाते हैं, पूरी अपोजिशन की पार्टी अलाइन हो जाती है इनके खिलाफ, और फिर इलेक्शन होते हैं। 2013 में इलेक्शन हुए थे, अब 2018 में इलेक्शन हुए। ठीक है, तो इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर जो हमारा कैंडिडेट है अपोजिशन का, जो यूनाइटेड कैंडिडेट है मोहम्मद सोली, वो जो है 50% वोट आते हैं उनको और वो जीत जाते हैं। तो अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा अब्दुल यामीन से मोहम्मद सोली को, और उसके बाद फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होगी किस तरीके से होगी उन सब के बारे में हमें पता चलेगा। तो हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है, जैसे अगर एक्सट्रीमिज्म थोड़ा बहुत अगर हमने थोड़ा और डिटेल से देखना हो, वैसे हमने उसके बारे में भी देख लिया बट थोड़ा सा देखना हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। अदरवाइज हमने मालदीव के रिलेशन 2018 तक, करंट तक, हमारे प्रेसिडेंट तक अब कैसे चेंज होंगे वो आपको नोट करना पड़ेगा, बट अब तक के रिलेशन हमने पूरे देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।